हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज है सैटरडे। सैटरडे यानी कि 11 अप्रैल। जैसे कि मैंने आपको 10 अप्रैल को जो वीडियो डाली बनाई थी और 11 अप्रैल को हो गया था, और ये जो है 12 को जाएगा तो संडे को आप लोग को मिलेगी। तो फ्रेंड, मैंने कहा था कि हमारे घर जो है दाल भिगा हुआ है बड़ियों के लिए और बारिश हो रही थी, तो आज जो है बड़िया बनाने वाले हैं क्योंकि धूप जो है निकल गई है बढ़िया से। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम यही होता है, रात में धुले हुए बर्तनों को मैं जमा देती हूँ और उसके बाद मेरा जो है काम शुरू होता है, नहीं तो कभी कभी मैं काम शुरू करने के बाद जमा देती हूँ तो ऐसा नहीं रहता है। तो मैंने सोचा जल्दी आज पहले ही जमा देते हैं। इधर पर रखा हुआ था चाय और इंडक्शन पर ही मैं चाय बनाती हूँ, तो इधर मैंने चाय रख दिया था और इस साइड पर जो है बर्तन जमा रही थी, और उसके बाद जो है बाकी का काम शुरू करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी से दालों को पीस करके बढ़िया भी बनानी है, क्योंकि ये काम मेरी ननन करती है, उसे बहुत बढ़िया से आता है तो वही करती है ये बढ़ियों का काम। तो मैं जो है खाना और नाश्ता का काम करूँगी जब तक वो दाल को पीस देगी। तो दिखाती हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर दाल बड़ी जो है कैसे बनती है, किस तरीके से हम बनाते हैं, और आप लोग कैसे बनाते हैं दाल की बढ़िया, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर करना चाहते हो तो। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायः ऐसे ही बनाते हैं हर घर में। और ये देखिए, इधर मैं सारे प्लेट्स थालियों को लगा देती हूँ रेक पर, क्योंकि जब रेक पर लगता है ना तभी अच्छा लगता है, और रैक पर अगर नहीं लगता है बर्तन तो ऐसे रखा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सारे बर्तनों को रैक पर लगा देती हूँ प्लेटों को, तभी मुझे मतलब किचन कम्प्लीट लगता है। और यहाँ जो है मैं भिंडी निकाल दी थी, तो भिंडी अभी नहीं बनेगा फ्रेंड, ये भिंडी शाम के लिए है। तो भिंडी को बनाने से पहले जो है धो के रखा जाता है, मैं तो रखती हूँ, वैसे आप लोग भी रखते होंगे मुझे पता है, क्योंकि पानी जो है झट जाता है बढ़िया से तो अच्छा होता है। तो अभी मैंने इसे धोया नहीं है, इसे निकाल के रखा हुआ है ताकि मैं इसे बाद में धो सकूँ। तो यहाँ देखिए कम्प्लीट हो गया, और ये मैं आप लोग को दिखा रही थी वही भिंडी, और ये चाकू एक साथ रख दी हूँ, तो ये जब धुलेगा नहाने के टाइम से धो लेंगे और इसके बाद जो है बाकी का काम जो है वो करेंगे। तो ये कुछ कुछ मेरा बर्तन कल का भी रखा हुआ था जो धोई थी, तो उसे ही रेक कर देती हूँ। और सैटरडे को जो होता है, मतलब अभी तो संडे मंडे जो भी कहो सब तो एक ही जैसा है, कोई ये नहीं है कि सैटरडे को क्या होता है संडे को क्या होता है, तो सभी एक ही जैसा है घर में सभी लोग, तो रोज़ का दिन वैसे ही होता है सेम। तो ये देखिए मेरा बर्तन बस लग गया रेक पर, अभी जो है बढ़िया बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर कैसे बनता है बढ़िया, कि हमारे घर दाल भीगी हुई है उड़द की दाल बड़ियों के लिए। तो फाइनली धूप आ गया है, कल का मौसम ख़राब था, आज धूप है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। ये देखिए ये जो है दाल को पीस रहे हैं और इसके बाद बनेगी बढ़िया। तो इसे फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि कल सुबह ही से भिगा, सुबह ने दोपहर में भिगा दिए थे तो बढ़िया से भीग गया था। तो शाम को धोने के बाद ये छिलका वाला दाल है जो छिलका रहता है, तो उसे निकाल दिए थे और फ्रिज में रख दिए थे नाइट में, और अभी इसको निकाले हैं आधा एक घंटा पहले फिर से इसे धो दिए अच्छे से और उसके बाद इसे पीस रहे हैं। तो बड़ी का जो पेस्ट होता है ना अच्छे से पीसना चाहिए, एकदम मतलब दरदरा नहीं होता जैसे बड़े का होता है वैसे, तो बढ़िया से चिकना पेस्ट होता है। तो ये पीस रहे हैं इसे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दाल का पीठी, और ऐसे ही पेस्ट चाहिए, एकदम पतला नहीं चाहिए। ये देखिए किस तरीके से गाढ़ा है, तो इसे फेटेंगे तब ये एकदम फ्लफी सा हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी ये देख लीजिए ये दाल इस तरीके से जो है पीस करके रखा जाता है। तो सभी दालों को पीसने के बाद आपको बड़ी बनाना बताऊँगी और दाल की बढ़िया कैसे बनती है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये भी आप लोग देखिएगा। दाल बिल्कुल तैयार है, सभी दालों को पीस लिया गया है और इसके बाद जो है बड़ी बनाने के लिए इसे बढ़िया से फेटा जाता है ताकि बड़ी जो है बढ़िया से पक जाए और एकदम फ्लफी सा एक पेस्ट बनेगा। आप देखिएगा अच्छे से इसे फेटना है और उसके बाद ये पानी में चेक करेंगे, अगर बड़ी उफल जाएगा तो मतलब ऊपर आ जाएगा डालते ही, तो इसका मतलब बड़ी का बैटर जो है बिल्कुल तैयार है बड़ी बनाने के लिए। तो बस फेटना बहुत ज़्यादा मेन है इसमें, अच्छे से फेटना होता है इसको। और ये देखिए मैंने कल कहा था कि बारिश हो रही है, और बारिश नहीं हुई थी, बस मौसम था थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई थी, और अभी एकदम बढ़िया से धूप है। तो छोटी छोटी बढ़िया होती है दाल की, तो ये जो है सूख जाएगी आज।
तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको फेंटना है एकदम बढ़िया से। जब भी आप दाल की बड़ी बनाएं और दाल की बड़ी आप बना रहे हैं तो उसमें आप कसूरी मेथी, नमक और बहुत लोग जीरा अजवाइन भी डालते हैं, पर हमारे घर जीरा अजवाइन नहीं पसंद करते बड़ी में, और कसूरी मेथी नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग भी डाले रहते। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से डालें दाल की बड़ी में कसूरी मेथी और जीरा अजवाइन, अगर आप पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको बढ़िया से फेंटना है और इसके बाद आपको पानी में डाल करके चेक कर लेना है। इसके बाद चलिए फिर छत में जाके देखते हैं बढ़िया कैसे बनती है हमारे घर पे। आप लोग भी देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग कैसे बढ़िया बनाते हो अपने घर में। तो ये देखिए फ्रेंड, ये फेंट गए हैं बढ़िया से, फेंटने में लगभग लगे हैं 3 से 4 मिनट और इसके बाद ये बिल्कुल बढ़िया से तैयार है। तो चलिए इसे चेक करते हैं पानी में डाल करके। तो देखिएगा ये एकदम से ऊपर आ जाता है, मतलब बिल्कुल तैयार है। तो आप देख पा रहे हैं एकदम बढ़िया से तैर रहा है ऊपर में, तो ये बिल्कुल तैयार है बढ़िया बनने के लिए। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया। तो फ्रेंड हम लोग छत पर आ गए हैं बढ़िया बनाने के लिए, आइए देखिए हम लोग बढ़िया कैसे बनाते हैं। मैं तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं नीचे जो है खाना बना रही हूँ, मेरी ननन और काव्य की बड़ी बुआ बनाएगी, तो मेरी बड़ी वाली डेढ़ सास और मेरी ननन। तो देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं बढ़िया, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ फाइनल की बढ़िया बन के कितनी सारी तैयार हुई। काफ़ी अच्छा धूप है, कल आप लोगों ने देखा कि पानी वाला मौसम था, आज बढ़िया से धूप है। तो नीचे मैं बना रही हूँ खाना और सहजन और मुनगा और आलू की सब्ज़ी, जिसे आप लोग सहजन भी कहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हम लोग आ गए हैं छत पर और वहाँ जिठा दिए हैं, मतलब नीचे में बिछा दिए हैं बेडशीट। नीचे खाट में बनाओ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इधर बनाते जाओ बच्चे बिगाड़ते जाते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ छत पे इस तरीके से बना रहे हैं। और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा ये होता है कि जब फ्लोर गर्म हो जाता है ना तो उसकी गर्माहट से बढ़िया जल्दी सूखती है, तो इसीलिए एक रीज़न भी है नीचे में बनाने का। तो ये देखिए किस तरीके से पकड़ करके बना रही है, इनका तरीका देखिए। मुझे तो आता है थोड़ा बहुत, नहीं आता ऐसा नहीं कहूँगी, पर जितना परफेक्ट मेरी ननन बनाती है उतना नहीं आता है मुझे, और मैंने कभी बनाया भी नहीं था अपने मम्मी के घर, और इन लोग बनाते ही हैं तो बहुत बढ़िया से बड़ी बनाती है और इनको बहुत अच्छे से आता है बढ़िया वगैरह का जो है काम। तो यही करती है हमारे घर में, और मेरी सास भी करती थी पर सबसे ज़्यादा यही करती है मेरी जो छोटी वाली ननन है, वही बड़ियों का काम उसे बहुत बढ़िया तरीके से आता है। तो इस तरीके से जो है बढ़िया बना देंगी, और इधर काव्य की बड़ी बुआ भी बना रही थी साइड में, तो मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं जो है नीचे जा रही थी, फिर खाना भी बना रही हूँ मैं साथ ही साथ, ऊपर वीडियो भी करने आ रही थी, तो उसकी बुआ बोल रही थी कि बनाओ ऐसे करके, तो मैंने कहा कि अरे खाना भी बना रही हूँ फिर इसको छूँगी फिर, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और फिर कभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी बना के मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे से कैसे बनता है। तो अभी आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरे ननंदों का बढ़िया जो कि उन लोग बना रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी से बना रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है देख के। और ये बढ़िया जब सूखती है ना, इसे आपको सुखाना होता है अच्छे से, सुखाने के बाद अब इसकी सब्जी बनाओ बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड सच में। तो देखा आप लोगों ने बढ़िया बन गई, कंप्लीट हो गया। आज तो बस बड़ियों का काम हुआ सैटरडे को। इधर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में मैंने कहा आप लोग को मैं बना रही हूँ सहजन और आलू की सब्जी, काफ़ी टेस्टी सब्जी बनता है। और ये सहजन मार्केट से लेके नहीं आए, हमारे घर से ही लगा हुआ, बगल वाले हमारे पड़ोसी हैं उनके घर मतलब लगी हुई है इसकी, इसके पेड़ है जो कि आया हुआ है मुनगा अच्छे से, तो उन लोगों ने जो है दिया था कि उन लोग जब अपने घर के लिए तोड़े तो हम लोग को भी दिए कि ये लो आप लोग भी मुनगा करके, तो बस वही है। और मार्केट से भी लेके आए थे जिसे मैंने दाल के साथ बनाया था पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, और एकदम घर का एकदम मस्त टेस्टी वाला मुनगा है, तो सच में बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी। और ये देखिए इस तरीके से आपको चलाना है बढ़िया से, और मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर से बताइएगा। मैं सबसे पहले जो ऑयल डाली, लहसुन अदरक का तड़का लगा करके और सूखा मिर्च डाल करके सबसे पहले आलू को फ्राई करके निकाल दी, तो उसके बाद तड़का लगा करके सहजन को, प्याज डाली और बस ये टमाटर वगैरह डाल के जो बेसिक मसाला है वो सब डाल के इस तरीके से सब्जी बना रही हूँ मैं। और इसमें जो है मैं यूज़ करती हूँ ग्रेवी के लिए चावल का पानी, तो चावल को मैंने 3 बार बढ़िया से धो लिया था, और उसके बाद जो है 3री बार का पानी मैं रख दी हूँ यहाँ चावल को भिगा करके, तो वही पानी मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करती हूँ। सच में फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो चावल का बचा हुआ पानी होता है ना उसकी आप ग्रेवी बनाओ तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सच में। तो हमारे गाँव देहात में ऐसे ही करते हैं, ग्रेवी के लिए चावल को भिगा के रख देते हैं और उसका चोरन जो है सब्जी की ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं भी कभी कभी करती हूँ जब मुझे ऐसा कुछ बनाना होता है या याद आ जाता है, तो नहीं तो मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं पानी डाल देती हूँ गर्म पानी। तो इस तरीके से देखिए बड़ा अच्छा बनता है, और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिकता मतलब इसके अंदर चावल का पानी है तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी।
तो इसीलिए मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए, और इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी चूल्हे में, क्योंकि जब उबलता है ना तो बहुत ज़्यादा गैस ख़त्म होता है, तो मैं सोचती हूँ चूल्हे में इसे ट्रांसफ़र कर दूँ। और मेरा गैस भी, मैंने कहा था कि इंड आ गया, मैं गैस पर बना नहीं रही थी, पर अभी मैंने फ्राई कर दिया। और इधर देखिए चूल्हे पर मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, चूल्हे पर ला के रख दी हूँ। और इधर पतीला चढ़ा हुआ है चावल के लिए, तो उसमें बनेगा चावल। और इधर साइड में चढ़ा हुआ है गर्म पानी, क्योंकि जो गर्म पानी वाटर हीटर जो है हमारे घर का वो ब्लास्ट हो गया है, तो अभी इसी में हो रहा है, चूल्हे पर ही पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए। और फ्रेंड, खाना बनाने के बाद जो है मैं चढ़ी थी छत में बड़ियों को देखने के लिए, ये बंदर वंदर तो नहीं आए बोल के। तो ये देखिए, यहाँ हमारे घर के नौपची के फ्लावर खिले हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं देख करके। तो चलिए फ्रेंड, मैं जाती हूँ नहाने के लिए, इसके बाद देखती हूँ आगे का वीडियो कब करती हूँ, शाम को करूँगी या फिर देखती हूँ। चलिए फ्रेंड, तो मैं चलती हूँ अब नहाने के लिए। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के और हम लोग निकले हुए हैं बाहर में। ये देखिए बाहर का नज़ारा, और बच्चे लोग कह रहे हैं कि तालाब जाएंगे, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं तालाब का नज़ारा, और इसके बाद फिर बनाऊंगी मैं खाना। तो फ्रेंड, दोपहर में मैं नहाने के बाद जो खाना वाना खा के आराम करने लग गई थी, वीडियो का एडिटिंग करने लग गई थी, और उसके बाद लेट गई थी। तो शाम का टाइम है, शाम को बच्चे जो है जिद कर रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को तो पता है, आप में से मेरे रेगुलर व्यूवर को पता है कि हम लोग के तालाब में जो है शिवलिंग और नंदी जी का बढ़िया सा एक मंदिर है छोटा सा, तो वहीं आए हुए हम लोग काव्या में और बाबू। तो अभी बिल्कुल रात होने वाला है और अच्छा लग रहा है, मतलब टहलने पर हवा जब चलती है तालाब का किनारे है तो ठंडी ठंडी हवाएँ आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है और बच्चों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों की सैतानियाँ काव्या और बाबू, इन लोग को इसीलिए पसंद है क्योंकि आके नंदी जी और शिव जी के ऊपर इन लोग बैठ जाते हैं, तो इन लोगों को बड़ा पसंद आता है। अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो यहीं तक था, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।